डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, कल हमने यूनिट नंबर 3 जो है उसमें टाइप्स ऑफ दी प्लांट्स पढ़ी थी। आज हम पेज नंबर 19 पे पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हर एक प्लांट के बेटा डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आए हम उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से जो फ्लावर है उसके पार्ट्स होते हैं। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले फ्लावर, रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स, ये 4 पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि कौन सा जो पार्ट है वो क्या करता है और जो है वो किस तरीके से अपना काम सरंजाम देता है। सबसे पहले है फ्लावर। बेटा, सब जो प्लांट्स होते हैं उन पर फ्लावर्स नहीं होते। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर बेयर करते हैं और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उन पर फ्लावर नहीं होते। वो प्लांट जो फ्लावर्स रखते हैं उसी फ्लावर के बाद उसी फ्लावर पर फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं और हर एक सीड के अंदर एक नया प्लांट पैदा करने की सलाहियत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं रूट्स पर। फ्लावर का प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है उसको हम रूट्स कहते हैं। रूट्स का काम होता है जमीन से, मट्टी से पानी को वो सक करता है, चूसता है और प्लांट्स के तमाम हिस्सों को वो पानी जो है वो प्रोवाइड करता है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि हम रूट्स को स्ट्रॉ की एग्जांपल भी देते हैं कि जिस तरह से आप स्ट्रॉ में से जूस या कोई भी पानी वगैरह चूसते हो, इसी तरीके से रूट्स आपकी स्ट्रॉ की तरह पानी को चूसती हैं और सारे जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनको वो पानी देती हैं। इसके अलावा रूट्स होती हैं वो जमीन के अंदर पूरे पौधे को मजबूती के साथ थाम के खड़ी होती हैं। उसके बाद हम लीव्स पे बात करते हैं। लीव्स जो होते हैं, लीव्स पूरे पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं और इसके अलावा वो ऑक्सीजन गैस जो है वो भी तैयार करते हैं। ऑक्सीजन गैस इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम सांस के जरिए ऑक्सीजन गैस, यही वाली ऑक्सीजन गैस अपने अंदर लेकर जाते हैं। लास्ट है स्टेम्स। स्टेम्स होती हैं वो बेटा एक प्लांट के अंदर एक ट्रैक बनाती हैं, रास्ता बनाती हैं, जिसके जरिए रूट्स होती हैं वो पूरे पौधे को पानी देती हैं और लीव्स होते हैं वो वहाँ से खुराक जो है वो पूरे पौधे के अंदर हर पार्ट के अंदर जो है वो जाती हैं। और इसके अलावा स्टेम्स होती हैं वो पूरे पार्ट को, प्लांट को सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती हैं। पेज नंबर 20 पर देखें, हमने अभी बात की कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उन पर फ्लावर्स होते हैं। सब जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर नहीं रखते, लेकिन जो प्लांट्स फ्लावर रखते हैं उन सब फ्लावर्स के कलर्स, शेप्स और साइज डिफरेंट होते हैं। वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और इन फ्लावर्स के डिफरेंट जो होते हैं वो मकसद होते हैं या काम करते हैं। कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो डेकोरेशन के लिए यूज हम करते हैं, कुछ फ्लावर्स से हम मेडिसिन या दवाई तैयार करते हैं और कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो आगे फ्रूट तैयार करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे ये आपको बास्केट नजर आ रही है, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो फ्रूट्स हैं। ये सब फ्रूट्स जो हैं वो इन फ्लावर्स से तैयार हुए हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, एप्रिकॉट्स हैं, ये सब फ्रूट्स हमें फ्लावर से हासिल होते हैं। तमाम जो फूल होते हैं वो हमें फल नहीं देते, लेकिन जो भी हम फल खाते हैं वो हमें किसी न किसी फूल से ही हासिल होते हैं। फ्रूट्स जो हम बेटा खाते हैं इन सबका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, हमें मज़े के लगते हैं, हम वो जो फ्रूट्स हैं वो खाते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी भी दरख्त या पौधे से खुद फल जो है वो उतार कर नहीं खाना चाहिए, जब तक आपको आपकी मामा या पापा खुद ना दें या परमिशन ना दें किसी भी पौधे पर से फल खुद मत उतारें। आगे हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ दी फ्रूट्स पर। फ्रूट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये देखें बेटा, आपको पिक्चर नजर आ रही है। इसकी जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम स्किन कहते हैं। स्किन जो होती है वो हम किसी भी फल के उतार देते हैं। जो इसके अंदर वाला हिस्सा होता है वो फ्लैशी होता है या जिसको हम गुदा कहते हैं, वो हम फल का हिस्सा खाते हैं। और इसके अंदर सीड्स होते हैं जिसके जरिए हम दोबारा कोई भी प्लांट जो है वो नया बनाते हैं या पैदा करते हैं। इसके अलावा कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो पोड्स के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे पीस है, पीस जो होता है इसके बाहर वाला जो खोल उसका होता है उसको हम पोड कहते हैं। पेज नंबर 20 पर देखें सीड्स। सीड्स होते हैं डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर, जो सीड्स का मतलब तादाद है वो डिफरेंट होती है। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक सीड होता है, जैसे प्लम है,
एप्रिकोट है, इनके अंदर सिर्फ एक सीड होता है, और कुछ फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर चंद सीड्स होते हैं, जैसे आपको ऑरेंज नजर आ रहा है, ऑरेंज के अंदर बेटा सीड्स होते हैं वो तादाद में एक से ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते, चंद होते हैं, या एप्पल है, ठीक है। और कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं, जैसे आपका पोमीग्रेनेट है, या इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है, इनके अंदर काफी ज्यादा सीड्स होते हैं। और इसके अलावा मजीद इसमें हम देखते हैं बेटा सीड्स का जो साइज और उनकी जो शेप, उनका जो कलर होता है वो सबका डिफरेंट होता है। जैसे एप्पल सीड्स, मेलन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, ये तीनों सीड्स एक दूसरे से कलर में और साइज में डिफरेंट होंगे। एक लास्ट में जो है प्लांट्स फ्रूट जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, नट्स। नट्स होते हैं, ये भी आपकी एक फ्रूट की ही एग्जांपल है, लेकिन इसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड शेल्ड होता है, ठीक है। इसका बाहर वाला हिस्सा जो फ्रूट्स की स्किन होती है उसको हम हार्ड शेल कहते हैं, और इसके अंदर सीड होते हैं जिसको हम निकाल कर खाते हैं, ये भी आपकी एक फ्रूट की ही टाइप है। उम्मीद है आज का लेसन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी प्लांट जो है वो पढ़े और सीड्स के बारे में जाना। ओके, अल्लाह हाफिज।